वेलकम टू गोल्डीज किचन। फ्रेंड्स, अगर आप मेरा लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब का बटन क्लिक करके मेरे चैनल पे आप सब्सक्राइब हो जाइए और बेल आइकन को क्लिक करके आप मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन पा सकते हैं। तो चलिए हम बना लेते हैं मलाई लस्सी। उसके लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिया है, यहाँ पे हमने 250 ग्राम दही लिया है, यहाँ पर दही के ऊपर की मलाई ली है 2 चम्मच, कुछ पिस्ताशियो लिए हैं गार्निशिंग के लिए, शुगर लिया है 100 ग्राम, चिल्ड वाटर लिया है हमने और कुछ आइस क्यूब्स लिए हैं। तो चलिए हम बना लेते हैं मलाई लस्सी। यहाँ पे मैंने एक मिक्सर जार लिया है, उसमें हम दही डाल देंगे। अब इसमें हम शुगर डाल देंगे, आइस क्यूब्स डाल देंगे और अब हम जार का ढक्कन बंद कर देंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। हमें लगभग 1 मिनट तक इसे ग्राइंड करना है। अब हम चेक कर लेते हैं। अब हम इसमें वाटर डालेंगे, हमें यहाँ पे आधे गिलास से कम चाहिए पानी। अब हम फिर से इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो चलिए ऑफ करते हैं हम और चेक कर लेते हैं। लस्सी हमारी एकदम अच्छे से ग्राइंड हो चुकी है और आप देख रहे हैं ऊपर जो झाग बना है वो काफ़ी थिक है और बहुत ही अच्छा है। तो चलिए इसे हम एक ग्लास में पोर करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 ग्लास लिया है, अब इसमें हम लस्सी डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें आइस क्यूब्स और भी डाल सकते हैं। सेम प्रोसीजर हम दूसरे ग्लास के साथ भी करेंगे। अब इस पर हम मलाई डाल देंगे 1 चम्मच, और इस पर हम झाग डाल देंगे, जो हमने लस्सी पीसी थी ऊपर झाग बना था वो झाग डाल देंगे हम। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। अब इसे हम गार्निश करेंगे कुछ पिस्ताशियों के साथ। तो लीजिए फ्रेंड्स, रेडी है हमारा ठंडा मलाई लस्सी। आप इस मलाई लस्सी को इस गर्मियों में इंजॉय करिए और फ्रेंड्स इसी तरह देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करिए, शेयर करिए और फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।